नमस्ते प्रणाम दोस्तों, आइए, मैं आपका दोस्त अजय हारमोनियम की दुनिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेजर स्केल और माइनर स्केल। आपको दोस्तों पता होगा कि एक सप्तक में 12 रीड होते हैं, है ना। यहाँ से शुरू करिए, सा कोमल रे, को शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, मा मा शुद्ध मा, तीव्र मा, पा कोमल धा, शुद्ध दा, कोमल नी, शुद्ध नी, है ना। इतने हमारे होते हैं। अब मेजर स्केल में ध्यान रखना दोस्तों, मेजर स्केल में जो सारे शुद्ध स्वर जो हमारे होते हैं, शुद्ध स्वर होते हैं, जो मेजर स्केल जो हम बजाते हैं, जो जिसमें सारे गामा पा धा नी सा, है ना, तो उसमें सारे के सारे स्वर जो है शुद्ध लगते हैं। जैसे आप देखिए, जो आइए आप भी बजाते होंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। आपने देखा सा शुद्ध है, रे शुद्ध है, गा शुद्ध है, मा शुद्ध है, पा शुद्ध, पा तो शुद्ध शुद्ध नहीं, पा है, और ये धा और को शुद्ध नहीं, सारे के सारे इसमें जो है शुद्ध स्वर लगा है। अगर हम यहाँ से भी बजाएं, यहाँ से अगर बजाते हैं, सा रे गा मा पा धा मतलब सारे के सारे स्वर अगर शुद्ध लग रहे हैं उसमें, तो आपको ये समझ जाना कि ये स्केल जो है हमारा मेजर स्केल है ना। और उसी में माइनर स्केल कहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे कोमल गा और कोमल धा और कोमल नी लग जाता है। जब आप सारे गामा बजाएंगे, सरगम बजाएंगे, सारे गामा पा धा नी सा, तो अगर वहाँ पे दोस्तों आगे बीच में आपका जो है आ जाता है, जैसे सा आपका शुद्ध रहेगा, है ना, रे आपका शुद्ध रहेगा, गा गा ये कोमल हो जाएगा, माँ आपका शुद्ध रहेगा, पा आपका शुद्ध रहेगा, कोमल धा और कोमल नी, कोमल नी, और जो तार सप्तक का सा तो वो शुद्ध ही रहे, तो गा धा नी ये आपका चेंज हो जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या हो गया, हमारा माइनर स्केल बन गया है, माइनर स्केल। यही मेजर स्केल और माइनर स्केल में बस यही छोटा सा अंतर है। अब देखिए, अगर इसका माइनर स्केल अगर आप ये यहाँ से अगर शुरू करते हैं, तो इसका माइनर स्केल आप अगर बजाएंगे तो कौन सा होगा। अब आपको बस करना कुछ नहीं है, सा रे गा सा नी धा पा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा रे सा। ये गा धा और नी हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये क्या बन गया, हमारा मेजर स्केल बन गया। जहाँ से आप अब यहाँ से करेंगे तो ध्यान वही रखना है। जैसे मान के चलो दोस्तों, ये सा, ये हमारा अगर सा हो, यहाँ से अगर हम सरगम बजाते, सारे गामा पा धा नी सा बजाते, तो ये सा हो गया, फिर ये हो गया रे गा मा सा रे गा मा पा धा अब हम इसी का माइनर स्केल, इसमें हमारा क्या हो गया, शुद्ध सभी लगा, इसी का माइनर स्केल अगर करते हैं, तो ये हमारा अगर सा है, तो ये हमारा क्या हो गया रे, फिर ये गा था शुद्ध गा, तो ये हमारा कोमल गा, इसको गामा गा, फिर ये मा, अब ये हमारा पा, अब उसमें
कोमल ये धा लगा था, कोमल शुद्ध धा, तो हमारा ये धा हमको धा कोमल लगाएंगे। फिर ये कोमल धा लग गया दोस्तों, है ना। अब आगे क्या लगाएंगे, कोमल नी जब उसमें आप जाएंगे दोस्तों अपना क्या कहता है मेजर स्केल में, तो देखेंगे कि आपको नी ये लगा तो उसके नीचे हमारा नी ये दूसरा जो शुद्ध शुद्ध आपको पता ही होगा कि जब कोमल शुद्ध रे है तो उसके पहले उसके जस्ट नीचे कोमल रे होता है, शुद्ध गा है तो उसके जस्ट नीचे कोमल गा हो जाता है। तो आपने अगर सरगम में अगर पहले आपने बजाया कि नी ये है शुद्ध नी है तो कोमल नी आपका ये हो जाएगा। आपका शुद्ध धा अगर ये है तो जब माइनर स्केल बजाने बनेगा तो कोमल धा ये आपका हो जाएगा। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बाकी आप कहीं से आप चाहें तो यहाँ से सरगम मेजर स्केल निकालें, आप यहाँ से निकालें, आप यहाँ से निकालें। ध्यान बस इस चीज़ का रखना, ट्रिक यही है कि जब मेजर स्केल आप बजा रहे हैं तो आपका सभी के सभी स्वर जो है आपके लगेंगे शुद्ध, चाहे तो नीचे से कहीं से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट हो, सारे के सारे शुद्ध स्वर लगेंगे। और जब आप बजा रहे हैं माइनर स्केल तो उसमें जो है कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी चेंज हो जाएगा। बस यही आपका है मेजर स्केल और माइनर स्केल। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। किसी प्रकार का आपको हारमोनियम से गाना निकालने में दिक्कत परेशानी हो दोस्तों तो हमसे हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, हमारा पहले आप वीडियो देखें समझें। और आशा करता हूं कि आपको समझ में आता होगा, कई सीख रहे हैं कई सीखने वाले हैं, कुछ कुछ को परेशानी हो रहा है तो मैं उनको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी मैं उनको हेल्प करता हूँ अगर टाइम मेरे पास रहता है तो आप सीखें। अगर समझ में नहीं आता तो मेरे पास नंबर है तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रखा हूँ दोस्तों, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सके, आप हमसे मदद ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।